सिर्फ और सिर्फ एक छोटा लापरवाही के प्रॉब्लम से। फ्रेंड्स चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटेड। आप लोग देख रहे हैं मेरे पास हीरो कंपनी का पैशन प्रो i3s बाइक है, ये न्यू मॉडल BS4 i3s बाइक है। और यहाँ पर देखिए टेल पैनल पर भी लिखा हुआ है i3s। और इस बाइक का यहाँ पर हमने फ्यूल टैंक ओपन कर रखे हैं, पैशन प्रो बाइक है हीरो कंपनी का। और इस बाइक का सबसे पहले बात के लिए बाइक मेरे गैरेज तक धक्का मार के लाया गया है वर्कशॉप तक। और इस बाइक का यहाँ पर देखिए जैसे ही हम इग्निशन ऑफ ऑन करें बाइक में करंट नहीं आ रहा है, ना ही डिस्प्ले पे करंट नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे कितना भी हम किक को दबाएंगे ना तो एक भी करंट नहीं आया। देखिए यहाँ पे कितना भी हम किक दबाते हैं डिस्प्ले पे कहीं से भी लाइट नहीं आ रहा है। तो आप लोग सोच रहे इस बाइक के अंदर प्रॉब्लम क्या हो गया है। सबसे पहले बात करें इस बाइक का, जैसे ही हमने सीट ओपन किया करंट नहीं आ रहा था। जैसे ही बाइक का हमने सीट ओपन किया तो यहाँ पे देखिए सीट को जैसे ओपन किया तो एक एक वायर यहाँ पे देखिए मूसा ने चूहा ने किस तरह से कुतर दिया है। देखिए यहाँ पे चूहा ने किस तरह से सीट जैसे हमने ओपन किया इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कचरा था। उसके बाद यहाँ बात कर देखिए सीट कवर को काट काट करके इसके अंदर इतना ज़्यादा कचरा जमा कर दिया। आप देखिए गणेश भगवान का एक कमाल है, देखिए चूहा महाराज का कमाल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस यह ऐसा प्रॉब्लम बाइक के अंदर आया क्यों, किस प्रॉब्लम से आ गया, टोटल स्टेप आपको बतलाएंगे। क्योंकि देखिए एक एक वायर कट कर दिया, बाइक अभी बिल्कुल न्यू बाइक है और वायर का आप कंडीशन देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे बाइक का हर एक कल पुर्जा को चूहा ने यहाँ पे प्रॉपर अच्छा तरह से कट कर दिया। इसके प्रॉब्लम से बाइक में करंट नहीं आ रहा है। अब इस बाइक का वायरिंग असेंबल हम चेंज करेंगे, न्यू वायरिंग किट डालेंगे। क्योंकि इसका क्लाइंट है, कस्टमर है, बोला है कि बाइक का वायरिंग को रिपेयर बिल्कुल नहीं करना है, रिपेयर करने लायक वायरिंग बचा भी नहीं अगर बात कर ले तो यहाँ पे। उसके बाद अगर बात करें हम देखो आर्मेचर कोयल के पास देखिए किस तरह से वायर को कुतर दिया है, काट दिया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं देखिए किस तरह से वायर को काट दिया है। जो भी वायर को कटिंग किया है बहुत वायर को तो यहाँ पर देखिए सॉकेट के पास से ही काट करके सेट कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर बात देखिए यहाँ पर भी सॉकेट के पास जड़ से काट करके सेट कर दिया है। आर्मेचर का मेन कोयल है उसको वायरिंग का आप हार्नेस देखिए यहाँ पर किस तरह से चूहा ने कुतर दिया है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे फ्रंट से वाइजर के अंदर भी चूहा चला गया, मूसा चला गया वाइजर के अंदर। देखिए यहाँ पे जो मेन वायर है जो इग्निशन में एक आउटपुट करंट जाता है एक इनपुट करंट देता है, दोनों वायर को यहाँ पे कुतर दिया है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो मीटर सेंसर का एक एक वायर काट दिया है। मीटर सेंसर का वायर को तो हम रिपेयर कर देंगे, मीटर सेंसर जो यहाँ पर लगा है ये इसका वायर यहाँ से यहाँ तक रिपेयर हो जाए। क्योंकि हर एक कल पुर्जा चेंज करने तो काफ़ी बजट लंबा हो जाएगा हमारा, कस्टमर जो है क्लाइंट जो है उसका। उसके बाद यहाँ पे बात कर ले तो देखिए CDI को ओपन करते हैं, CDI के पास देखिए यहाँ पे एक भी वायर को कट नहीं किया है, कैसे छूट गया न जाने। CDI के पास एक भी वायर को यहाँ पे कट नहीं किया है। उसके बाद रियर में फिर से चलते हैं तो रियर में बात कर देखिए बाइक लाइट का हर एक वायर को काट दिया, जड़ से काट दिया है। यहाँ पर आप देखिए बाइक लाइट का वायर को किस तरह से काट करके असेंबल ही साइड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे बात करें देखिए ये जो इसको सेट कर लेते हैं कचरा को यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा वायर का उतरन सब यहाँ पे इसके अंदर रखा है। देखिए कितना ज़्यादा इसके अंदर से वायर निकल, अरे उंगली कट गया यार। तो फ्रेंड देखिए आप हैंडी प्लास्ट लगा लिए क्योंकि ब्लड आ रहा था, यहाँ पे उंगली कट गया इसमें लग करके। कोई प्रॉब्लम बस होगा इसमें देखिए क्योंकि इसके अंदर वायर का टूटा काफ़ी ज़्यादा है, देखिए उंगली थोड़ा कट गया। हम लोग मैकेनिक है तो थोड़ा बहुत कटकुट होते रहता है। चलिए फिर से आपको बता रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे अगर उसके बाद बात करें तो देखिए फाइबर को किस तरह से कुतर दिया है, ऐसा नौबत आया क्यों, किस प्रॉब्लम से चूहा ने कुतर दिया। ये बाइक जो है सो समथिंग है 2 से 3 मंथ जो इसका क्लाइंट है कस्टमर ने जो बतलाया है 2 से 3 मंथ से बाइक जो है पार्किंग में लगा होता है, गैरेज में लगा होता, जहाँ आपके घर पर नॉर्मल जो पार्किंग होता है गैरेज होता है बाइक रखने के लिए वहाँ पर बाइक लगा हुआ था। तो 3 ईयर के लिए सॉरी 2-3 मंथ के लिए कहीं चला गया इस बाइक का कस्टमर जो है क्लाइंट है बाइक को पार्किंग में रख करके। उसके बाद इसको प्रॉपर अच्छा से कवर कर दिया था, एक कवर का बाइक ढकने के लिए कवर आता है उससे इस बाइक को कवर कर दिया, उसके अंदर चूहा चला गया। और चूहा आप देख रहे हैं किस तरह से एक एक वायर को कुतर दिया। फ्रेंड्स इसीलिए मैं आप लोगों को बतलाते रहता हूँ कि जब भी आप बाइक को कहीं पार्किंग में 2-3 मंथ के लिए रख रहे हैं, 2-3 ईयर के लिए रख रहे हैं, 1 ईयर के लिए रख रहे हैं, जहाँ आपको लगे कि चूहा अंदर चला जाता है या फिर वायरिंग को कहीं क्षति होगा, बाइक को कहीं क्षति होगा, नुकसानकारक है, इसीलिए आपको प्रत्येक 10 दिन पे बाइक को थोड़ा साफ सफाई करना चाहिए, इसको कवर को सेट करके थोड़ा इसको बाइक को आगे पीछे करना चाहिए, बाइक को स्टार्ट कर देना चाहिए। कहीं अगर चूहा गया होगा, वायर तब तक नहीं काटा है, कहीं गया होगा तो बाइक स्टार्ट होगा तो चूहा बाहर निकल जाएगा।
क्योंकि इस बाइक को सिर्फ और सिर्फ लापरवाही के प्रॉब्लम से इस बाइक का वायरिंग को कट कर दिया चौहान, क्योंकि 3-4 महीने के लिए बाइक लगा रह गया एक ही जगह, ना आगे पीछे बाइक को नहीं किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो बाइक को नहीं स्टार्ट किया गया कभी, इसी के प्रॉब्लम से इसके चूहा जैसे ही बाइक के अंदर चला गया तो उस एक एक वायर को उसको कुतारना चालू कर, क्योंकि बाइक के अंदर तो उसको भोजन मिलेगा नहीं, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा बाइक के अंदर। उसके प्रॉब्लम क्या होगा कि चूहा हर एक वायर को ही काटना स्टार्ट कर, वायर को ही खाना चालू कर दिया। चलिए फटाफट इस बाइक को हम वायरिंग को असेंबल को बाहर निकाल लेते हैं, खोल करके इसमें हम नया वायरिंग डालेंगे। अगर उसके बाद यहाँ पे बात करें तो देखिए वायरिंग पार्ट नंबर यहाँ पे लिखा रहता है, उस कवर तक को यहाँ से तोड़ करके सेट कर दिया है। अब इस बाइक का वायरिंग पार्ट नंबर मंगवाने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि इस बाइक के ऊपर वायरिंग पार्ट नंबर बिल्कुल नहीं लगा हुआ, स्टिकर एक लगा रहता है वायरिंग पार्ट नंबर का। अब इस बाइक का वायरिंग मंगवाने में समथिंग हमको 10 से 15 रोज लग गया। बाइक 10-15 रोज पहले ही मेरे वर्कशॉप पर आया था, 10-15 रोज से बाइक मेरे वर्कशॉप पर लगा था, अब जाके बाइक का फाइनली वायरिंग मिल गया। वायरिंग ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। इस बाइक का वायरिंग का पार्ट नंबर क्या आप लोगों को भी दिखलाएंगे, ताकि आप लोगों को अगर वायरिंग चेंज करना हो तो आपको पार्ट नंबर से वायरिंग प्रॉपर आपको मिल जाएगा पाइसन प्रो i3 या न्यू मॉडल बाइक का। देखिए रात काफ़ी ज़्यादा हो गया था और मैंने यहाँ पे देखिए उंगली कट गया था, इसलिए हमने रात में काम करना छोड़ दिया। फिर से हम नेक्स्ट टाइम सुबह में आप अपने वर्कशॉप पर आए हैं और इस बाइक का देखिए वायरिंग को हमने फाइनली खोल करके बाहर निकाल लिया यहाँ से। देखिए यही वायरिंग असेंबल है जो बाइक का यहाँ पर देखिए खुल करके बाहर आ गया, क्योंकि रात में हमने इसको प्रॉपर सेटिंग नहीं किया, क्योंकि उंगली कट गया था और काफ़ी ज़्यादा दर्द करने लगा। इसके प्रॉब्लम से हम रात में काम करना छोड़ दिए। फिर नेक्स्ट टाइम जब सुबह अपने वर्कशॉप पे आए प्रॉपर अच्छा साफ सफाई करने के बाद फिर से हम अपने काम में लगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर इस बाइक का हमने तो वायरिंग प्रॉपर खोल करके बाहर निकाल लिया है बाइक का, अब इसमें हम नया वायरिंग किट डालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये हीरो का ये जेनुअन पार्ट है, जेनुअन वायरिंग किट है, वायरिंग असेंबल है। अगर इस वायरिंग का देखिए यहाँ पे पैकेज इसका फट गया था, इसलिए हमने इसको बाहर निकाल लिया। अगर बात कर लें यहाँ पे प्राइस का तो देखिए प्राइस लिखा है यहाँ पे 1420 रुपया। देखिए ये जो ऊपर में लिखा हुआ है पार्ट नंबर है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप चाहे तो आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं पार्ट नंबर का। अगर आप नॉर्मल बाइक का वायरिंग का पार्ट नंबर निकालना चाहते, कोई भी पार्ट का अगर पार्ट नंबर निकालना चाहते हैं, इसके लिए एक बाइक का पीडीएफ बुक आता है, पीडीएफ बुक में आपको प्रॉपर पार्ट नंबर दिख जाएगा। तो फिर देखिए यहाँ पे वायरिंग पार्ट नंबर लिखा है और यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखा है, प्रोडक्ट का भी नाम लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है हार्नेस वायर। क्वांटिटी एक मिल रहा है, प्राइस है 1420 रुपया और ये फुल फाइनली ये वायरिंग असेंबल है बाइक का, जो हमारा हीरो का जेनुअन ब्रांड न्यू बाइक है और ब्रांड न्यू है वायरिंग असेंबल है और देख रहे हैं। चलिए हम फटाफट से हर एक वायर को बाइक में प्रॉपर अच्छा से सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद चेकअप करते हैं बाइक को स्टार्ट करके। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड देखिए बाइक का वायरिंग का जो काम था मेरा फाइनली कंप्लीट हो चुका है। बाइक में फ्यूल टैंक, लेफ्ट राइट साइड का पैनल, टेल पैनल, इस बम्फर को जो ओपन किए थे, कैरियर जो लगा लिया इसमें, इसको हम ओपन किए थे, इसको फिट कर लिया। उसके बाद फ्रंट से वाइजर तक को हम प्रॉपर सेटिंग कर लिया। अब चलिए बाइक का हम यहाँ पे इग्निशन को ऑन करते हैं। जैसे बाइक का इग्निशन ऑन किया देखिए यहाँ पे अब लाइट भी प्रॉपर आ गया, बाइक गियर में निट्रोल कर, देखिए लाइट यहाँ प्रॉपर आ गया। अब बाइक को देखिए स्टार्ट कर, प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है। तो फिर देखिए बाइक स्टार्ट हो गया, यानी कि बाइक का जो भी सिस्टम था वो पहले जैसा प्रॉपर वर्क करने लगा। सिर्फ और सिर्फ इस बाइक में प्रॉब्लम था वो वायरिंग हार्डनेस को लेकर प्रॉब्लम था, जो वायरिंग चूहा ने काफ़ी ज़्यादा कटखुट कर दिया था। इसके प्रॉब्लम से बाइक में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि जब वायरिंग ही सही नहीं रहेगा तो बाइक स्टार्ट कैसे होगा। तो फ्रेंड्स देखिए आप अब जो है सो बाइक भी प्रॉपर अच्छा तरह से वॉशिंग भी हो गया, यानी बाइक अब देखिए इससे पहले देखने में कितना ख़राब लग रहा था, यहाँ पे धब्बा धब्बा जैसा लग रहा था। कोई पूजा पाठ किया गया तो उसमें सिंदूर पिठार पूजा में लगाया जाता है, उसी का धब्बा लग रहा था। लेकिन अभी देखिए बाइक जो है फाइनली प्रॉपर अच्छा से वॉश हो गया। वॉश होने के बाद आप देख रहे हैं बाइक जो है प्रॉपर कितना बिल्कुल नया लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक छोटा लापरवाही की प्रॉब्लम से इस बाइक का जो है वायरिंग चूहा ने कट कर दिया था। कस्टमर का भी इसमें क्या गलती बताएंगे, चूहा का भी इसमें गलती हो सकता है, क्योंकि चूहा अंदर जाने के बाद बाइक स्टार्ट ही नहीं हुआ तो उसको बैठने के लिए आरामदायक जगह मिल गया, इसके अंदर भोजन पानी तो मिल नहीं रहा था, इसके प्रॉब्लम से वायर को ही कुतरना स्टार्ट कर दिया। अब देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।